मॉर्निंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड बिलव पास्टर्स, आज की सुबह फिर से परमेश्वर के नाम से आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की और सलाम कहते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमें ये सुबह का दिन दिया ताकि आप और मैं उसकी आराधना करने पाएं। तो मैं चाहूँगा कि इस वचन को सुनने से पहले आप मेरे साथ इस गीत को गाते परमेश्वर की महिमा करें। जिस दिल विच प्रेम नहीं, ते उस दिल नू दिल नहीं कहंदे, दिल वाले दिल रब नू देंदे। ते किसे होर दे पेंडे ना पेंदे, दिल दा शीशा दिल दा शीशा दिल दा शीशा साफी जीना दा। ते ओ रब दे दर्शन पौंदे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि मैं चाहूंगा कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, और सुनने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बाइबल को खोलें और परमेश्वर आपसे मुझसे क्या बात करना चाहता है आज की सुबह मेरे साथ इस परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम देखेंगे। तो आइए, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल को खोलें और उसमें से निकालें भजन संहिता 119 और 147 वचन पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स 119:147 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मैंने पोह फटते से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। फिर से कहता है, मैंने पोह फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। प्रभु का दास फिर से आपको इस सुबह के समय में एक संदेश देना चाहता है। वो संदेश ये है कि वो कहता है कि मैंने पोह फटने से पहले दुहाई दी है। जाने की सुबह के इस सूरज को निकलने से पहले कहता है कि प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में गया और मुझे विश्वास है कि तेरे वचनों पर। तो प्रियानो, तो यहाँ पे दाऊद अपनी उस समस्याओं के हल को परमेश्वर को बताता है और उस प्रार्थना में विनती करता है कि प्रभु तू मेरा उद्धार कर, तू मेरी चेतौनियों को माना करे, तू मुझे क्या कर, अपने पंखों तले संभाल। क्योंकि दाऊद का आसरा परमेश्वर है, परमेश्वर का शरण स्थान है। सुबह के समय दाऊद कहता है कि मैं पो फटने से पहले ही मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तेरे वचनों पर, कि तू मुझे कभी गिरने ना देगा, मुझे संभाले रखेगा। तो प्रियानो, मैं चाहता हूँ कि आप ही दाऊद के समान सुबह को उठे, अपनी परेशानियों के लिए प्रार्थना करें, अपनी दिक्कतों के लिए प्रार्थना करें। जो रात आपके साथ परेशानियां थी, जो बीत गई वो चली गई, जो परमेश्वर ने छुटकारा दिया, सुबह के समय उठे और उसे परमेश्वर को धन्यवाद दे। दाऊद ने यही किया कि रात को जो परेशानियों के साथ सो गया था, जो बहुत सारी दिक्कतों के साथ सो गया था, फिर से वो सुबह उठा और उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। कहता कि मैं विश्वास करता हूँ तेरे वचनों पर, कि तेरा वचन मुझे क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा, तुमसे बात करेगा और मुझे सारी इस परेशानियों से आजाद करेगा। तो प्रियाने, मैं भी चाहता हूँ कि आप इस सुबह उठे, अपने परेशानियों के लिए धन्यवाद दें जो परमेश्वर ने आपके जीवन से दूर किए, उस दिक्कतों को जिस परमेश्वर ने आपके जीवन से दूर किया, जिस चिंताओं से परमेश्वर ने आपको मुक्त किया है, उसके लिए सुबह परमेश्वर को उठे और परमेश्वर को दुआ दें और परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको रात भर संभाला, सुबह का सूरज दिखाया है। दाऊद कहता है कि मैं तुझे सुबह के समय क्या करूंगा, दुहाई दूंगा, मेरा विश्वास है तेरे वचनों में। दाऊद के समान हम भी जब सुबह उठे और परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारी विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर। प्रभु करे जैसे दाऊद की प्रार्थना सुनी गई, प्रभु आपकी भी प्रार्थना को सुने, हमारी यही आशा है और यही प्रार्थना है। मैं चाहूंगा कि आइए इस वचन के बाद हम ऐसा ही करें जो दाऊद करता है। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं। प्रभु जैसे दुहाई दी सुबह के समय दाऊद ने, हम चाहते हैं कि हमें भी सुबह के समय उठाओ ताकि हम परमेश्वर तेरे नाम को धन्यवाद दे पाए। जितने भी इस वचन को सुनते हैं वह लोग आशीष पाए, उनको छुटकारा मिले, उनकी प्रार्थना करो, उनसे बातें कर प्रभु, जब वो बोर के समय उठे प्रभु, ताकि तू उन्हें अपने वचनों से स्मरण करे और प्रभु है तेरे लोग तेरी महिमा का कारण बने। सुनने वाले प्रभु जी जहाँ भी है उसे आप आशीष करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू।